तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। न्याय के देवता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी होगी। दोस्तों आज शाम 4 बजे के बाद न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपकी जिंदगी में करेंगे बहुत बड़ा चमत्कार। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपका भाग्य का ताला खुलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली में राजयोग, गजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है, जिससे कि दोस्तों आपको अपने जीवन में अपार खुशियों की बारिश होगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द नहीं रहने वाला है। सारे दुख दर्द न्याय के देवता भगवान शनिदेव अब दूर करने वाले हैं और यह सब परिवर्तन देखकर आपके दुश्मन अंदर ही अंदर अब जलकर खाक होने वाले हैं। आपकी तरक्की देखकर दुश्मनों की आंखों से रात की नींद और दिन की चैन उड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको भगवान शनिदेव की ओर से बहुत बड़ा वरदान मिल चुका है, जो कि दोस्तों अब आपका सभी सपना सच होने वाला है, आपके सभी सपने हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप पिछले समय में जो मेहनत किए थे, जो परिश्रम किए थे, उनका फल अब आपको अभी तक नहीं मिला था। न्याय के देवता भगवान शनिदेव आपके सभी कर्मों का हिसाब कर चुके हैं और उन सभी अच्छे कर्मों का एक साथ फल प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो इंसान पूरी लगन से मेहनत करते हैं उनका फल एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिलकर ही रहता है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव सबको समान भाव से देखते हैं। उनके सामने कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं होता है, उनके लिए सब समान भाव है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आंखें बंद कर लेने से मुसीबतों का अंत नहीं होता और मुसीबत आए बिना आंखें भी नहीं खुलती है। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आती है तो घबराइए नहीं, शांत मन से उनका समाधान ढूंढिए, क्योंकि भगवान उस समय आपकी इम्तिहान लेते हैं और यह देखते हैं कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, उसी के अनुसार आपको बड़े मुकाम तक लेकर जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के यह अनमोल विचार अगर आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह समय से भगवान शनिदेव आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, आपको अपने जीवन काल में क्या क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो, आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बढ़ाहट रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वर्कलोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं। आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है। आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है। दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपका अकद्धा 1936 का रहा है और ये समय पुरानी बातों को भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय है। ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन के कारण एक नई ऊर्जा का संचार आप में हो सकता है। आप जीवंत महसूस करेंगे। आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी और तब भी आप खुश रहेंगे। इससे पता चलता है कि चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ डीएच रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ शरीर में रहता है। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा।
अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तपोपारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। हर रोज एक कप कॉफी आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। मुलेठी की चाय भी फायदेमंद रहेगी, इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप पेय पदार्थों जैसे चाय, कॉफी आदि की मात्रा बढ़ाते हो, तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें, इसके लिए अगर रोज ना हो सके तो सप्ताह में एक दिन योग के लिए जरूर रखें। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों की, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, दूर हवन कराने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन की विभूति से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप हवन की भस्म को घर या दुकान के चारों ओर छिड़के, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और यह नजर दोष के लिए भी प्रभावी है। नजर दोष उतारने के लिए हवन की भस्म को भी प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, यह उपाय छोटा है लेकिन यह बहुत ही चमत्कारी है। अगर इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं, हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में न हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। थोड़ी ज्यादा हर्बल चाय बनाकर पिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। आपको इस समय और इस स्थिति में अपने पार्टनर के भावनात्मक सहारे की बहुत जरूरत है, लेकिन शायद दूर रहने के कारण या कुछ अन्य कारणों की वजह से वे आपसे दूर हैं। आपकी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी मिल पाने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही। कोशिश करते रहें और बहुत जल्दी आपको अपने पार्टनर के साथ रहने में सफलता मिलेगी। आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ें क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव न लें, सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों की बजाय ताजा जूस पिए। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है, आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लर्ट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां मिल सकती हैं। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम लें। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं, जिसे आपने लगभग भुला ही दिया था। आज का दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें, इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके सितारे आपको अपने सपनों के राजकुमार से मिलाने की स्थिति बना रहे हैं। वह काफी साहसिक होगा, होगी उनकी खुशमिजाजी भी देखने लायक होगी। जैसा आप सोच रहे थे वह बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसके काफी करीब होगा। इसीलिए उसके लिए अपनी पसंद जाहिर करने में न हिचकें और लगे हाथ अपनी भावनाओं का इशारा भी दे ही दें। आज आप अपने करियर को नए सिरे से शुरू करेंगे। आप एक नियोक्ता से दूसरे की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है।
लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से सावधान रहे, क्योंकि कोई आपकी क्षमता और चतुराई का अनुचित लाभ लेने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है। आज अपना और अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूले। आज स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या की आशंका बन सकती है। बहुत ठंडा भोजन खाने से बचें। अगर पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो और अधिक ध्यान रखें। वित्तीय दृष्टि से ना फायदा ना नुकसान वाली स्थिति रहेगी। हालांकि आज कोई बड़ा निवेश ना करना ही ठीक रहेगा। आप पिछले कई दिन से स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो रहे हैं। आज ये समस्याएं आपके सामने और भी गंभीर रूप में प्रस्तुत होंगी। अभी इस स्थिति का समाधान कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये किसी बड़ी समस्या का शुरुआती लक्षण हो, इसीलिए इसे बढ़ने का मौका न दें। अपने स्वास्थ्य, फिटनेस तथा खाने संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ये समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। कोई आपकी उदारता से प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आज अनुशासन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। आप अब जंक फूड भी नहीं खा रहे तथा व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए आपको इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाला है, यह घटना कलयुग की सबसे बड़ी और दुर्लभ घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, घटना के बारे में सुनकर आप डर गए होंगे और आपके मन में तरह तरह के ख्याल और विचार आ रहा होगा। आप एकदम से सच में पड़ गए होंगे कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन आप घबराइए मत। कहते हैं ना, ऊपर वाले जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं, तो भी होता है, सब भलाई के लिए ही होता है। दोस्तों, हंसता खेलता जीवन में जब अचानक से मोड़ आ जाए तो समझ जाना ईश्वर ने जरूर कुछ अच्छे प्लान किए। ईश्वर आपको उससे भी बेहतर देने की प्लान बना लिए हैं। दोस्तों, जब जीवन में सब कुछ विपरीत होने लगी तो समझ जाना यह सारा खेल ईश्वर खेल रहे हैं। ईश्वर आपके बारे में ही जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचे हैं और कुछ बड़ा किए हैं। उसे समय, अपना तन, मन और ध्यान सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और भगवान को सुमिरन कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से कहिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परम पिता, सबका मालिक आप है और आप ही सबका रक्षक है। अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, बस इतना ही कहना है। इतना कहने के बाद यदि आपका जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत ना बन जाए तो फिर मुझे कहना, क्योंकि ईश्वर ही लिखते हैं, ईश्वर ही मिटाते हैं, ईश्वर ही दर दर की ठोकरें खिलाते हैं और अंत में जाकर ईश्वर ही राह दिखाते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ही संभल कर और सोच समझ कर अपना कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, वरना आप दुश्मन के बिछाए हुए जल में आसानी से फंस सकते हैं और फिर वही हो जाएगा जो नहीं होना था। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अंतरिक्ष के सबसे बड़ा ग्रह मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं और वह अब लंबे समय तक आपके पक्ष में रहने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और जिस हिसाब से आप परिणाम पाना चाहते हैं, यानी कि जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उसे हिसाब से उस मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। आप अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं।
हर तरह से आप सब कुछ करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके मन मुताबिक तरीके से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब आपके जीवन में सुधार होने वाला है, उन सभी चीजों में बदलाव होने वाला है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके हित में हो चुके हैं। अब आपकी जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। न्याय की देवता, कर्म फलदाता भगवान शनि देव जी अब आपके जीवन में बदलाव करने वाले हैं। कहते हैं ना, मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है, क्योंकि न्याय के देवता कर्म, फलदाता कर्म, प्रधान भगवान शनि देव जी न्याय करने के लिए ही बैठे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान शनि देव जी के रहते कोई किसी के साथ गलत करना क्या गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये बात तो फिक्स है। इसलिए न्याय के देवता भगवान शनि देव जी खुद कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ साफ शब्दों में लिखा है, तुम सिर्फ मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, उसकी चिंता करने के लिए भगवान शनि देव जी हैं। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं और आप सही हैं, और फिर भी अगर आपके साथ गलत होता है, तो आप मन ही मन भगवान शनिदेव जी से कह दीजिए कि हे प्रभु, हे मालिक, सर्वव्यापी आप तो सबका मालिक हैं और आप सब कुछ देखते हैं, अब आप ही न्याय करना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से, सच्चे हृदय से 3 बार जय शनिदेव जी लिख दीजिएगा। शनिदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे और शनिदेव जी का विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी। दोस्तों, पिछले 5 से सालों आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप जो भी कार्य करते हैं परिणाम उसका उल्टा ही मिलता है, आखिर इसका क्या कारण है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके कुंडली में शनि ग्रह विराजमान है और उसी का प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जिनके भी कुंडली में शनि ग्रह होते हैं उन लोगों के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले और कितने भी मेहनत कर ले, हर हमेशा उनके जीवन में तनाव रहता है, मन अशांत रहता है, मन में बेचैनी रहता है, क्रोध बहुत ज्यादा आना, अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके जीवन में वह हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और फिर बाद में पछतावा होता है कि यह हमें नहीं करना चाहिए था, वह हमें नहीं करना चाहिए था। जिनके कुंडली में शनि ग्रह होते हैं और अगर वह इंसान शराब का सेवन करते हैं, किसी जीव की हत्या करके भोजन बनाते हैं और उनका सेवन करते हैं, तो उनकी परेशानी और बढ़ने लगती है। अगर यह सभी चीज करते हैं तो उन सभी चीजों को छोड़ने का प्रयास करें। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। आज आपकी सेहत अच्छी है क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं, आप में आत्मविश्वास झलक रहा है। अभावनात्मक स्थायित्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ति होती है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है। आय आप सकारात्मकता से भरे हैं। आय आज कोई महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आय सफलता और पहचान मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। आय दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और हंसी की रौनक बिखरी रहेगी। आपने अपनी निजी जिंदगी में मुश्किल दौर देखा है, इसीलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए। एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएंगी। कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ डीडीडीएच सकता है, जिससे कि अपने कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की जरूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य करें। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटे, ताकि आपके पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आपकी प्रवृत्तियां आज काफी सक्रिय रहेंगी और आपको उनकी सुनकर ही आज आगे बढ़ाना चाहिए। यहां तक कि अगर आपके आसपास हर किसी की राय अलग है तो भी आप उनकी ना सुनकर अपने ही मन की सुने। आपके लिए शायद अभी यह कर पाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखकर अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को पकड़ लेना है। आप बाहर से तो शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन अंदर से आप भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं। आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है,
और आपको कई बार ऐसी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लक्षण आपने कभी पहले नहीं देखे। इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक अपने शरीर को संतुलित करने के लिए खूब सारा पानी पिए। आप और आपके साथी हाल ही में काफी व्यस्त थे, इसलिए आज एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए प्रयत्न करें। रात्रिकालीन भोजन करने किसी अच्छी जगह जाएं, जहां आपका साथी आपकी और आकर्षित हो सके। प्रशंसा की भाव भंगिमा आपके रिश्तों को और आगे लेकर जाएगी। एकल व्यक्तियों के लिए भी किसी के साथ बाहर जाना महत्वपूर्ण होगा जो उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। आज आपके मालिक केवल वे सुनेंगे जो वे सुनना चाहते हैं और यह स्थिति स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने से आपको रोकती है। आपके सहयोगियों ने ऐसी स्थितियों में बहुत अच्छी तरह से आपका समर्थन किया है और ये समय उन लोगों से प्राप्त हुई मदद की सराहना करने का समय है। जब आपके मालिक का मन स्थिर होगा तब आपके धन प्राप्ति के योग्य है। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी तिचक्त खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड्डीढे किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका ना दें। आप आज ऊर्जा और जिंदा दिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी। पिछले काफी समय से आपकी जिस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा था उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। या तो पूरे शरीर की मसाज कराएं या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं। आज का दिन प्यार के लिए उपयुक्त है। अपने प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखें कि दिन कैसे खास बन जाएगा। रोमांस की संभावना है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकते हैं। आप आभूषण या कुछ बहुमूल्य रत्नों या मॉडलिंग या उस तरह के समान पेशे से जुड़े हुए हैं। आपको अपने व्यापारिक गतिविधियों या किसी समारोह के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ डीडीडीएच सकती है। आपके सफल होने के आसार हैं, इसलिए चिंता छोड़ दो और आगे बढ़ो। आपको अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक पैसे की प्राप्ति होगी। आज का दिन बदलाव के नाम रहेगा। आपकी मुलाकात ऐसी किसी आदमी से हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का या तो खुद कारण बनेगा या बदलाव लाने वाले लोगों से मुलाकात का माध्यम बनेगा। हालांकि सभी बदलाव आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। इससे पहले कि आप बदलाव को स्वीकार कर आगे बढ़े, आपको यह भी देखना होगा कि क्या यह बदलाव आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित होंगे। आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी थकान और आलस सा महसूस कर रहे हैं। आप आज ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते जिससे आपको तनाव हो। इसकी बजाय आज आप बाहर बैठकर धूप या हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिएं और कल सुबह तरोताजा उठने के लिए पर्याप्त नींद लें। शनि ग्रह से छुटकारा पाने के उपाय हैं। भैरव बाबा को शराब चढ़ाएं, शहर का सेवन करें, शहर में काले तिल मिलाकर मंदिर में दान करें या शहर को घर में हमेशा रखें। इससे शनि ग्रह से छुटकारा मिलता है, शनि ग्रह का प्रभाव कम होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। आखिर अगले इन 24 घंटे के अंदर कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन सी बड़ी कामयाबी मिलेगी, कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन से परिवर्तन होगी, क्या सावधानियां बरतनी है, किन क्षेत्रों में लाभ होगा और कौन से बातों का विशेष ध्यान रखना है, सभी चीजों के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। कार्य से लेकर उपाय तक की चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा।